हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं टू रेजर्स की रिव्यू देने वाली हूं। यहां पर मेरे पास है टू रेजर्स और दोनों रेजर की मैं यहां पर आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूं, बताने वाली हूं कि ये दो रेजर कैसे हैं और आपके लिए कौन से रेजर बेस्ट होंगे। तो गाइज़, ये है मेरे पास, ये वीनस, दोनों ही मेरे पास वीनस रेजर ही हैं। ये महंगा वाला है थोड़ा और ये सस्ता वाला है। ये बहुत ज़्यादा महंगा वाला है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता वाला है। तो देखते हैं कि प्राइस के हिसाब से दोनों रेज़र में से कौन सा बेस्ट है। ज़्यादा महंगा वाला रेज़र ज़्यादा अच्छा है या फिर कम प्राइस वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये मेरा चेहरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइस, देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला दी रहती हूँ। तो बिल्कुल देर मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो ये दोनों रेज़र में से सबसे पहले मैं कौन से रेज़र के बारे में आपको बताऊँ, आई थिंक मुझे इस रेज़र के बारे में बताना चाहिए। सबसे सस्ते वाले से ही स्टार्ट करते हैं। इस रेज़र को मैंने पहले भी बाय किया था और ये मैं कुछ बाय कर रही हूँ सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस रेज़र को लिया था ना, तो मैंने ऐसा दो रेज़र लिया था और कुछ मैंने लिया था 40 रुपीज़ में। यस गाइज, मैंने 40 रुपीज़ में लिया था रेज़र और वो मैंने लिया था कुछ 4 ईयर्स पहले। इसके लिए इतना सस्ता था। और ये देखिए, यहाँ से ओपन करने के बाद देख रहे हैं इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। ये जो ब्लेड आपको दिख रहा है, ये इसका 3 ब्लेड है, इसमें मिल जाता है आपको। और तो यहाँ से ये वैसे इजीली रिमूव हो गया है। सो ये इसका कैप था, इसको हमने रिमूव कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। जब मैंने 4 ईयर्स पहले बाय किया था ना, तो आई थिंक ये इसका कवर, इस रेज़र की जो क्वालिटी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। इसको यूज़ करना भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से ये ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, ये मूव हो रहा है तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं इसको दिखाती हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने बाउल में पानी ले लिया है। ठीक है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं ना, यूज़ करने से पहले जहाँ के अपने हेयर आप रिमूव करना चाहते हैं, वहाँ पर आप चाहे तो एलोवेरा जेल लगा ले या फिर कंडीशनर लगा ले या फिर आप सोप का अच्छे से झाग बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने 3 चीज़ों की ऑप्शन दी है, वो चीज़ों में से एक भी चीज़ अप्लाई करके इस रेज़र को यूज़ करेंगे तो हेयर रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बस मुझे आपको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, और मैं थोड़ा ही हेयर रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर अपने हाथ को अच्छे से गीला करते हैं। ओके, वाओ, काफ़ी ईजिली आप देखेंगे कि हेयर यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हेयर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए कैसे इजीली जो है हेयर रिमूव हो रहे हैं गाइस। इसके जो हेयर है वो इस तरह से पानी में डिप करना है और फिर से इसको यूज करना है, फिर हेयर रिमूव कर लिया, फिर इसको डिप करना, फिर यूज़ करना। इस तरह से सारे जो हेयर है ना, वो पानी में आ जाते हैं और रेज़र में कोई भी हेयर नहीं होते, तो इजी हो जाता है फिर हेयर रिमूव करना। तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आई थिंक ये कलर पिंक ही कलर में आता है ज़्यादातर, मैंने देखा। मैंने पहले भी 2 बाय किया था ना, तो वो पिंक कलर में ही था और मैंने सेकेंड टाइम इसे फिर से बाय किया है तो ये पिंक कलर में ही है। लेकिन अभी की जो क्वालिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि तारीफ तो बहुत कर दी मैंने, इसकी प्राइस क्या है वो तो बता दें। तो गाइस, इसका प्राइस बहुत ही कम है, 100 रुपीज़ से भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाता है ये 70 रुपीज़ में गाइस, या 70 रुपये में ये आपको मिल जाता है इजीली। और इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, जो 18+ है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो टीनेजर है वो भी। यहाँ पर सस्ता टिकाऊ वीनस रेज़र के बारे में आपको बता दिया है, जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है, 100 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाता है आपको 70 रुपये में। तो अब ये तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं ये जो है महंगा वाला रेज़र, ये एक्चुअली आपको मिलता है, इसके अंदर भी आपको सेम 3 ब्लेड्स मिल जाते हैं। ये इसकी क्वालिटी आप देखेंगे, ये उस रेज़र से थिक आपको मिल जाएगा, ये उस रेज़र से थिक है और उससे क्वालिटी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स के रेज़र्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास एलोवेरा का, इससे पहले मैंने लिया था ओकाडो का,
और ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के मिल जाते हैं आपको रेजर्स, तो जो आपको सूट करता है, आपको एलोवेरा सूट करता है, अवोकाडो सूट करता है, जो आपको सूट करता है तो आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर जेल सा निकल के आता है, जब आप इसे वॉश करेंगे आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ बना देता है और काफ़ी इजीली जो है हेयर रिमूव कर देता है, और ये यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। ये लेज़र देख रहे हैं, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। इसे लगाना है आपको तो सेम वैसे ही इसे इस तरह से यहाँ से इसे रखना होता है। ये मूव भी होता है, आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये मूव भी होता है बहुत ही अच्छे से। तो इसे आपको लगाने के लिए डायरेक्ट इसे इस तरह से अटैच कर देना है, तो ये आराम से लग जाता है। वीनस रेज़र आपको मिल जाता है 250 रुपीज़। आपने ग्लिटर वीनस रेज़र ले लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि इसे एक साल दो साल यूज़ कर लेंगे तो फिर से 250 लगा के हमें रेज़र नया रेज़र लेना पड़ेगा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि इसका जो ये रिफ़िल्स है ना आपको अलग से मिल जाता है। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, तीन चाहिए, जितना भी चाहिए आपको अलग से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 रिफ़िल्स बाय किया है एलोवेरा का, इसमें का जो न्यू है मैं इसके अंदर मैंने अटैच कर दिया। ये देखिए गाइज, ये है पुराना वाला, ठीक है, जो मैं पहले यूज़ करती थी, और ये है न्यू वाला, ठीक है, ये देखिए। तो इसे ये बिल्कुल सील पैक है और इसे मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी। इसमें मुझे 2 मिला था तो एक मैंने इसके अंदर लगाया है और एक ये पैक है पूरा, तो फिलहाल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और जो ये मेरा पुराना वाला ग्लिटर है और ये जो मेरा पुराना वाला रिफ़िल्स है, ये आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा होगा आपको। ये पूरा ख़राब हो चुका है, इसका जो ये ब्लेड है ना ये अभी भी काम करता है। इसको मैंने अराउंड 2 ईयर्स यूज़ किए हैं गाइज, और ये अभी भी अच्छा वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप इसे हेयर रिमूव करेंगे तो आपका हेयर रिमूव नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे से अभी भी ये हेयर रिमूव कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हम हेयर रिमूव मंथली बेसिस पे ही करते हैं, मंथली बेसिस पे एक या दो बार ही करते हैं, तो उसके हिसाब से इसका रेज़र जो है, इसका ब्लेड जो है ये ख़राब नहीं हुआ है, ये अभी भी वैसा ही काम करता है, थोड़ा सा स्लो हो गया है। रेज़र के 2 रिफ़िल्स लिए हैं, ये इसके अंदर जो इसकी प्राइस लिखी हुई है ये कुछ अराउंड 300 है, लेकिन आपको डिस्काउंट में 200 में आराम से मिल जाता है। तो इतना भी ज़्यादा इसका बजट नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 2 रिफ़िल्स मिल जाते हैं जो काफ़ी टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वीनस रेज़र है तो। अगर नहीं है तब आपको नया लेना पड़ेगा और फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर अटैच करके। अगर आप फर्स्ट टाइम रेज़र यूज़ करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगी वीनस रेज़र ले लें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आपको थोड़ा सा डाउट है कि नहीं इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, तो मैंने आपको छोटा वाला भी, तो मैंने आपको ये पिंक वाला भी वीनस रेज़र बताया है जो 70 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, तो आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दे, और आप वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।